नमस्कार दोस्तों, आज बड़े हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर पंप ऑपरेटर 737 पोस्ट कोड के फाइनल रिजल्ट और इसके वेटिंग पैनल और इसकी कट ऑफ के बारे में, जो कि रिवाइज़ करा गया है कोर्ट ऑर्डर के बाद। तो आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो 4/7/2018 को ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद 13/8/2020 को हुआ था, अब फिर से इसको रिवाइज़ कर दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट का CWP नंबर भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि कोर्ट केस नंबर था 2019 का 9/4/2021 एंड द अप्रूवल ऑफ द कमीशन फाइनल रिज़ल्ट। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आया हुआ है, इसकी कट ऑफ अब कितनी रही है, क्या क्या रहा है, तो कंप्लीट इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपने PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 8 पेजेस का ये पूरा का पूरा यहाँ पर रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है, काफ़ी मिले जुले 50% है यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल से ही इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए, जो कि रिवाइज़ ये यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर, आपके नाम दिए गए, जो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से ज़्यादा स्टूडेंट है, जो कि यहाँ पे रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 248 कैंडिडेट का यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है आज 22 जुलाई को। दो पोस्ट इसमें वैकेंट रही है SC फ्रीडम फाइटर की, तो यहाँ पे बोला गया है। और बाकी मैं आप सभी को बता दूँ कि मार्क्स क्यों रहा है, इनकी कैंडिडेट हैज ऑल्सो बीन शोन अगेंस्ट देयर रोल नंबर, उसके बाद इसकी कट ऑफ कितनी रही है और इसका वेटिंग पैनल क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिवाइज कट ऑफ है फाइनल रिजल्ट पंप ऑपरेटर 537 पोस्ट कोड की कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की 46 है, जनरल BPL की 45 पॉइंट समथिंग है, और जनरल फ्रीडम फाइटर की 38.35 है, OBC की यहाँ पे 42.75 है, OBC BPL की यहाँ पे 43.59 है फाइनल है, SC ओपन की यहाँ पे 42.73 है, और SC BPL की 45.74 है, और यहाँ नेक्स्ट SC ओपन की 41.05 है, और ST BPL की 44.18 है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फाइनल कट ऑफ है, इसके बाद में वेटिंग पैनल और जो कि रिटर्न टेस्ट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेरिट वाइज जो कि वेटिंग पैनल है और रिटर्न टेस्ट कट ऑफ भी इसी में दी गई है, कम्बाइंड आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपका रोल नंबर, फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी और मार्क्स दिए गए, और फिर डॉक्यूमेंटेशन में जितने आपको मार्क्स मिले और फाइनल मार्क्स आपके दिए गए। यहाँ पे सबसे पहले जनरल की देख सकते हैं आप, डायरेक्ट आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेना, मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो जो भी टॉप के स्टूडेंट हैं उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिलेक्शन के। बाकी यहाँ पे वेटिंग पैनल के कितने स्टूडेंट हैं टोटल, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी के वेटिंग पैनल में। तो यहाँ पर मार्क्स भी यहाँ पर डिवाइड करके दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे 35.70 जो यहाँ पे आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, और जो कि आपके फिर बाकी देख सकते हैं मिनिमम जो कि कट ऑफ रही है 35.70 रही है PPL की यहाँ पे, सॉरी है, और यहाँ पे जो कि ओपन कैटेगरी की 37.40 है 37.40, और जनरल BPL में जो कि जनरल कैटेगरी में 212 वेटिंग पैनल में स्टूडेंट है, और जनरल BPL में यहाँ पे 37 स्टूडेंट है, और जनरल BPL की बात करें तो रिटर्न टेस्ट कट ऑफ 35.70 रही है, और जनरल फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे 31.45 रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन स्टूडेंट वेटिंग पैनल में। OBC ओपन की अगर बात करें तो OBC ओपन में काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, 37.40 रिटर्न टेस्ट किया, शायद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे ये सारे के सारे मार्क्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे OBC BPL की बात करें तो 36.55, और 6 स्टूडेंट है वेटिंग पैनल में, जो भी टॉप वाले होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो SC ओपन की बात करें, जो भी टॉप वाले स्टूडेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेज रहते हैं वेटिंग पैनल से। तो यहाँ पर नेक्स्ट SC ओपन में अगर बात करें तो 36.55 रिटर्न टेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है, और SC BPL की 36.98,
तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है रिटर्न टेस्ट कैसी बीपीएल की, और ऐसी फ्रीडम फाइटर में कोई भी नहीं था, एसटी ओपन में 36.55 और यहाँ पे उसके बाद एसटी बीपीएल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है 36.55। तो ये यहाँ पे रिटर्न टेस्ट कट ऑफ है और बेटिंग पैनल है, जो भी टॉप वाले स्टूडेंट होते हैं उनके नंबर ज़्यादा लगते हैं। तो इतनी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज के इतना ही, धन्यवाद।